सत श्री अकाल। वॉइस ऑफ पंजाब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल प्रदीप पटोल। देश भर दे विच कोरोना महामारी जिहड़ी है लगातार अपने पैर पसारदी जा रही है ते आए दिन मौतां दा अंकड़ा भी वध रहा है। उत्थे ही देश दे विच ऑक्सीजन की कमी भी वड्डे पद्धर ते पाई जा रही है। मरीजां नूं हस्पताल दे विच इलाज दे लई जिहड़ी है थां नहीं मिल रही ते अजिहे दे विच जिथे खालसा एड वालों जिहड़ी है मरीजां की सहायता की जा रही है, ऑक्सीजन उन्हां तक पहुँचाई जा रही है, उत्थे ही गुरु घर दे विच भी ऑक्सीजन का लंगर लगाया जा रहा है। इस दे नाल ही जिथे मरीजों के परिवारक मैंबरों वालों सिख भाईचारे का खास तौर पर धन्यवाद किया गया। दोस्तों नमस्कार, देखिए किस तरह से लोग तड़प रहे हैं। इनका ऑक्सीजन लेवल तकरीबन 40 से 45 के बीच बताया जा रहा है और ये मैडम है और यहाँ पे इनको रोड पे ऑक्सीजन दिया जा रहा है। मैं आपको दिखाऊँ, ये देख रहे हैं, ये रोड पे ऑक्सीजन दिया जा रहा है इनको और इतना बुरा हाल है। मैं दिखाऊँ आपको और लोग भी और भी इन पेशेंट के लोग बैठे हुए हैं और मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे गाड़ी में लोग बैठा के मोबाइल ऑक्सीजन से तहत हेल्प किया जा रहा है। देखिए अब जितने लोग देखेंगे सब ऑक्सीजन के लिए वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं। और जैसे मैं दिखाऊँ यहाँ पे आपको, ये देख रहे हैं, और ऐसे ऐसे सिचुएशन में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए यहाँ भी ऑक्सीजन दिया जा रहा है, देख रहे हैं, ये गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन लगा के इनको बचाने की कोशिश की जा रही है। और ये देखिए, देख रहे हैं, देख रहे हैं, आप हैं इनके साथ, आपका आप हॉस्पिटल गए थे, क्या हुआ वहाँ सर? सारे हॉस्पिटल घूम लिए, गणेश, ये आपका वरदान, सेंट जोसेफ, अंदर गेट गेट पे बाहर रोक दे रहे हैं, वो चेक करते हैं उनका कि कितना आ रहा है वो ऑक्सीजन लेवल, और वहीं से वहीं बाहर कर दे रहे हैं कि हमारे पास बेड नहीं है, हमारे पास सर्विस नहीं है। मैंने बोला आप बेड मत दो, यहाँ कोने में मैं अपनी गाड़ी खड़ी कर दूंगा, इमरजेंसी में कोई होगी तो आप देख लेना बस आकर दूर से केवल कि इन्हें ये टैबलेट दे दो या ये दवाई दे दो, कि नहीं आप बाहर जाओ यहाँ से, हम नहीं देखेंगे। ये पेशेंट के अटेंडेंट है, जो पेशेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इनका ऑक्सीजन कैसे दिया जा रहा है, ये देख रहे हैं, कुछ नहीं खाया इन्होंने, चार दिन से कुछ नहीं खाया है पेशेंट ने। कोई बात नहीं, कोई बात, हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो बाबू, हिम्मत से काम लो, हिम्मत नहीं आ रहा, हिम्मत बता रहा हूँ। एक हॉस्पिटल ही इलाज, हॉस्पिटल सहारा होता है। ये बेटा है जो पेशेंट है उनके, नहीं लेंगे पेशेंट को, कहाँ जाएंगे, ये तो गुरुद्वारे का सहारा, इन्होंने लोग लगे हुए सेवा में, लोगों की सेवा में लगे पड़े, सुबह में धूप में लोगों की सेवा कर रहे खड़े होके, इनसे बड़ा कौन होगा इस टाइम, हमारे भगवान इस टाइम ये हो रहे हैं, गुरुद्वारे वाले सभी, हमारे सभी सरदार भाई। देखिए बेटे के आंख से आंसू, बिल्कुल असहाय है वो, क्या कर सकता है। ये देखिए इनकी मदर को मैं दिखाऊं, ये देख रहे हैं, ये कार के अंदर लिटा के उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है, और बिल्कुल क्यों मत रहो मेरे भाई, हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो, आप हिम्मत से काम लो, ये देख रहे हैं रोते तड़पते लोग। पिछली बार कोरोना में जिनको हम भगवान मानते रहे उन्होंने हमसे हाथ उठा लिया, हम सलूट मारते रहे कोरोना वॉरियर्स दे लेफ्ट हम। कोई बात नहीं, ठीक होंगे, ऊपर वाला सब अच्छा करेगा, चिंता ना करो, हिम्मत रखो, आप उनका सोचो, अभी आप टूटोगे तो कैसे काम चलेगा। बस भगवान ऐसे लोगों को बनाए रखे जो काम आ रहे हैं दूसरों के। ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे जो भी आ रहे हैं बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन ये दे सकते हैं, ये देख रहे हैं आप। और मैं आपको दिखाऊं, तमाम गाड़ी में लोग बैठ के सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का वेट कर रहे हैं। ये मैं आपको दूसरी दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ये देख रहे हैं, यहाँ भी इनको ऑक्सीजन कितना है, गाड़ी के अंदर बैठे हैं, उनको ऑक्सीजन लगाने की कोशिश देने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए यहाँ पे जितने भी हमारे लोग बैठे हैं सब ऑक्सीजन के लिए बैठे हैं, ये देखिए मजबूर असहाय बेटा एक रो रहा है, ये देखिए
ऐसे ऑक्सीजन दिया रही है, ये देखिए देख रहे हैं। एक मिनट सर, थोड़ा सा प्लीज, ये देखिए ये पेशेंट है। प्लीज डोंट रिकॉर्ड, नहीं रिकॉर्ड नहीं। सेवा लेंगे देखो, अभी आए थे, अभी आपको मैं सुन रहा, आपकी पेशेंट थी ना। अच्छा अच्छा, तो हॉस्पिटल में क्या आप कुछ नहीं मिला वहाँ पे सहायता? हॉस्पिटल बंद है सारे, किसी का गेट नहीं खुला हुआ, यू कांट इवन एंटर। नाटक कर रहे हैं कि जी कॉमनवेल्थ में मैंने 600 का कर दिया प्रोविजन, ये मैंने DRDO का कर दिया 1000 का प्रोविजन। कोई प्रोविजन नहीं है, सब बकवास है। होगी मोदी के चेले चपोटों के लिए जगह? प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई जगह नहीं है, सरकारी में कोई जगह नहीं है। प्राइवेट सिलेंडर आपने बैन कर दिया, सारे आपने इधर उधर कर दिए, दाएं बाएं कर लिए, ठीक है, आदमी क्या करे हैं? गवर्नमेंट हैज फेल्ड, द होल कैबिनेट शुड कमिट सुसाइड। बट यू से गवर्नमेंट हैज फेल्ड, बट दे आर सेइंग दे आर नॉट फेल्ड। यू गो एनीवेयर, आई नो दैट, आई नो पर्सनली। उनका क्या है, उनको तो एक ही काम आता है, बस इलेक्शन जीत लो। अब के जीत के देखें इलेक्शन, आपके ये म्यूनिसिपैलिटी का भी जीत के देखें। इस तरह से लोग परेशान हैं, और जिस तरह से हर बार रुपए का टैक्स लेते हो तुम हमसे, कोई तुम हमसे कम टैक्स लेते हो क्या? कहां गया वो टैक्स? अगर कोई गवर्नमेंट जो है बेसिक्स प्रोवाइड नहीं कर सकती तो उन्हें जीने का हक नहीं है। किस लिए मिनिस्टर बने घूमते हैं, किस लिए प्राइम मिनिस्टर बना घूमता है? कहां छुप गया? बाहर आ, यहां लगवा के देख, यहां ये ऑक्सीजन तेरे को पता चलेगा। सुबह 8 बजे से आज जो है 2 बज गए हैं, हैं? कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई मेडिसिन बाजार में नहीं है, मेडिसिन सारी गायब हो गई है। तुम कहते हो कि जी मैंने मीटिंग ले ली, इधर आ, हम तेरी मीटिंग लेते हैं, बताएंगे हम तुझे, बनाना आता है, उतारना भी आता है। बस जी बस, बहुत परेशान है सब परिजन, आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये देख सकते हैं गाड़ी के अंदर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे कई गाड़ियों में लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, और देख रहे हैं, और मैं दिखाऊं गाड़ी यहाँ पे लाइन लगी पड़ी है जिसमें ऑक्सीजन दिया जा रहा है। ब्लैक वाली गाड़ी पे ना, ब्लैक वाली गाड़ी का ना, साथ में ये देख रहे हैं, और यहाँ भी ऑक्सीजन की बहुत कोशिश करने के बाद अरेंजमेंट हो पा रहा है, कमी हो रही है, तो किसी को 10 मिनट, किसी को 5 मिनट, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है, किसी को आधा घंटा दे के किस तरह से बचाने की कोशिश चल रही है, ये देख रहे हैं। तो शुक्रिया दोस्तों, शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि विश्व गुरु भारत में जो डंका पीटा जा रहा है डंका पति के द्वारा, उस विश्व गुरु भारत में क्या लोगों क्या हाल है, रोड पे खड़े होके भी ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पा रहा, और एक आदमी को 5 से 10 मिनट दिया जा रहा है ताकि वो कम से कम बच जाए, फिर दूसरों को लगाया जा रहा है, इस तरह से बचाई जा रही है जिंदगी आज के डेट में, ये हाल है यहाँ का, देख रहे कम से कम एक एग्जाम्पल गुरुद्वारा इंद्रापुरम का देता हूँ, जो ये इतने बड़े निशान साहब के नीचे 500 आदमी के टेस्टिंग की सेवा 1 साल से चल रही है, उसके बाद दवाइयाँ, लंगर, हर चीज की सेवा है, और अब जो सेवा है लोगों का जीवन दान, जो शायद भगवान ही दे सकता है, जो हम गुरुद्वारे के इस क्षेत्र में कर रहे हैं, लोगों का जीवन दान दिलवा रहे हैं। बाकी संस्था भी इतने लंबे चौड़े अकाउंट आप रखे हुए हैं, पैसा रखे हुए हैं, किस काम आएगा? लोगों का जीवन अब नहीं बचा, तो कृपया करके आप सब इस जो हमने सुविधा दी है इसको कैरी फॉरवर्ड कीजिए। गुरुद्वारा सारे सिंह साहब, गुरुद्वारा मनजिंदर सिंह जी बंगला साहब से, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भी गुरुद्वारा में ये सेवा चालू कीजिए, लोगों की जान बचाइए। तो ये सिचुएशन है, और यहाँ पे लगातार पेशेंट आ रहे हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए, किसी तरह से कोशिश है कि कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है, किसी का ऑक्सीजन 40 है, किसी का 45 है, किसी का 50 है, और गाड़ी के अंदर व्यवस्था की जा रही है, संसाधन सीमित है, उसके बावजूद भी